زمانے کی یاد دلاتے ہیں جب ہندوستان پر پرتگیزوں کے جھنڈے لہرائے اور ان کی دیکھا دیکھی دوسری فرنگی قوموں نے ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا. یہ تصویر کسی لیلا مجنو کی داستان نہیں, نہ کسی رومیو جولیٹ کے عشق افسانہ ہے اور نہ ہی کسی روبن ہوڈ کی کارگزاریوں کا قصہ, بلکہ یہ تصویر ہے ہندوستان کے اس بہادر سپاہی کی جو کہ اپنے وطن کی آبرو کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے. ہندوستان کا وہ بہادر سپاہی جس کی کہ مثال دنیا میں ڈھونڈنے سے ملتی. چنانچہ 16ویں صدی کا وہ دور جبکہ ہندوستان کے جنوب مغرب میں پرتگیز اپنی قسمت آزما رہے تھے, اس وقت جبکہ سر پر ایک بلا منڈلا رہی تھی, تب بھی رنگیلے راؤ کے محل میں پریوں کا چرمٹ رہتا. آئی بڑے تھا بہار بڑے بندن کمار بڑے بن بڑے تھا تمہار نہ سکی ملے ملن پاس
पाए न सकी और इस तरह की महलें रंगीले राव के रंग महल में रात दिन गर्म रहती हैं। ओ जी उधर राग रंग की महफिलें और इधर हर घड़ी जान खतरे में। कैर सिंह खतरे से डरते हो तो चूड़ियां पहन लो चूड़ियां। हमारा नाम राजा तांबा है तांबा। देश की रक्षा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है। कैर सिंह तो हमेशा गैरों के हक में बात करते हो और खाम खा उल्टी सीधी बातों से हमारे बहादुरों के दिल में शक और डर का बीज बोते हो। शर्म करो। महाराज शक तो दुनिया को इसलिए होता है कि आपके छोटे भाई राजा रंगीले राव को आपके विचारों से कोई हमदर्दी नहीं और फिर भी आपकी पुत्री राजकुमारी चिंतामणि संगीत नगर में ही रहती है। शेर सिंह हमने अपनी बेटी तुम्हारी चिंतामणि को संगीत नगर में रहने की इसलिए इजाजत दी है तो वो जगह खतरे से दूर है। हाँ रंगीले राव के विचारों का रंग वो हमारी पुत्री पर नहीं चल सकता। वो वतन के नाम पर शहीद होने वाले राजा तांबा की पुत्री है समझे। हाँ हाँ चिंतामणि हम तैयार हैं। तुम भेज दो पैगाम अपने शेर सिंह के पास कि वो जब चाहे इन पुर्तगालियों को यहां ला सकता है। हमें उनसे मिलकर खुशी होगी और फायदा भी होगा ना। महाराज आपके फायदे के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है। देखिए कैसे कैसे चाली यहाँ बैठे बैठे चल रही। चिंतामणि अगर ये दिमाग यहाँ होता तो। महाराज अगर ये यहाँ होता तो आपको सुंदरियां ना भरती। नहीं चिंतामणि तो फिर अपना ही दिमाग अच्छा है। सुनो सुना है फिरंगियों के यहाँ फितने पैदा होते हैं। आपके पास कम चिंगारियां हैं क्या। चिंगारियां तो हैं मगर एक आधी पुर्तगालन मिल जाती तो भारत के रोज रोज के झगड़े मिट जाते। हेलो अकल के अंधो जो कुछ कह रहे हैं मुल्क फान की बेहतरी के लिए कह रहे हैं। ऐसा करने से पहले सुन करो कि हकीकत क्या है। बिरादरान यह हकीकत कि पुर्तगाल से आने वाले पुर्तगेज ताजर काली मिर्च और मसाले की तिजारत के खातिर यहाँ नहीं आए इनके इरादे कुछ और। ये दुकानों की इजाजत मांगकर किले तामीर करने वाले अपने मुल्क से तोपे लाए वो तोपे कि जिनकी गूंज वो कहकहे हैं घरों की कि जो शेरों के पोतों और हिंदी शमशीरों के आए जिन्हें चुराते। मैं वो दिन नहीं भूला जब मैंने कालीकट के महाराज जयमरीन के दरबार में एक दिन उसी वास्पुर गामा को दस्तबस्ता खड़े देखा जो कानूर और कोचिन के राजा की सखावत से माला माल होकर लौटते वक्त इंसानियत को भी भूल गया। उसकी जाबराना बहसियाना कातलाना हर कात के ये अरब और हिंदुस्तानी मल्ला जिंदा सबूत है जिनके पेड़ों को उसने लूटा पामाल किया नाक और कान काटने के बाद जलते हुए बागबानों से चकड़े हुए मजलूमों के हथौड़ों से दांत तोड़ डाले। क्या तुम्हारी किसकी गवाह रहेगी। नौजवानों को भी वो नजर आए तो मेरी इन बूढ़ी आंखों को दिखाई दे रहा। देखो देखो समंदर पार से एक तूफान बढ़ता हुआ चला आ रहा एक बड़ा नाजिर हो रही है जिसके दामन में वो भूखी आंखें हैं जो एक दिन तुम्हारे हिंदुस्तान को दस्तरखान पर बिछाकर तलवारों की इसके टुकड़े करके हड़प कर जाए। इसलिए पेश कर इसके किस बदनसीब हिंदुस्तान के बदनसीब राजा
آپس کے جھگڑوں میں پڑ کر ملک کی عزت کو غیروں کے پاس گر بھی رکھتے. اے نولی حالان وطن، اپنے مہاراج کا ساتھ نہ چھوڑو. اس بوڑھے شیر، اس راہور قوم، اس مقدس ہستی سے کنارہ کشی کر کے بہادروں کی عزت کو بٹانے لگاؤ. سینے میں اٹھ رہے بلبلوں کو زبان پر لاؤ اور بلند آواز میں کہو کہ وطن کی عزت پر مر مٹیں گے، قربان ہو جائیں گے. کر رہی ہے مہاراج، جب تک ہمارا ایک سپاہی بھی زندہ ہے دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مہینوں سے کوشش کر رہا ہے نا، کیا بگاڑ لیا؟ مجھے بتا سکتے ہیں مہاراج کہ وہ دور آسمان پر جو بجلیاں سی چمک رہی ہیں وہ کون سی جگہ ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ جس طرح سے ہم نے سنگیت نگر میں دیپ مالا کا حکم دے رکھا ہے اسی طرح سے وہاں کے رہنے والے آتش بازی سے خوشیاں منا رہے ہیں. یہ آتش بازی نہیں مہاراج، بدیشوں کی توپوں سے برسی ہی آپ کے شعلے ہیں. جس کا بھائی اور پتی وہاں لڑ رہے ہیں یہ شولے اسی کو نظر آ سکتے ہیں مہاراج. یہ سنجیت نگر، پریم نگر، روپ نگر نہیں مہاراج، لڑائی کا میدان ہے جہاں آپ کے بڑے بھائی راجا تانبا مٹھی بھر فوج سے طوفان کی طرح بڑھتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. ادھر توپوں کی گرج، ادھر سندریوں کے کہہ کہہ. اپنا ہمیں یہ کہہ کہہ پسند ہے، ہمارے راج میں امن ہے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں. کوچین کے مہاراج کو جوتشیوں اور پنڈتوں نے بتایا ہے کہ سمندر پار سے آنے والوں کے اقبال کا ستارہ اتنا بلند ہے کہ ایک دن سارے دیش کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اس لیے ہم پہلے ہی سر کیوں نہ جھکا لیں، ہم خامخواہ کسی سے لڑائی کیوں موڑ لیں؟ ہم اپنے بڑے بھائی راجا تانبا کی اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتے کہ ان کی بیٹی کماری چنتا منی اور اس کی نند اچلا. ہاں ہونے والے ننند اچلا کو مہمان سمجھ کر خاطر تواضع کر رہے ہیں، یہ بات کچھ کم نہیں ہے. اور سنو، ہمارے کان نصیحت سننے کے عادی نہیں ہیں. استاد لے جاؤ اس بینا کو، آگ لگا دو گھنگروں کو، ہم آج مدد نہیں کریں گے. اے میں قربان ہوں جوتیوں پر سے، کیا گستاخی ہوئی آلی جا؟ میرا قصور معاف کریں مہاراج، ہمیں آئے یہاں 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، مہاراج پہلی بار زبان کھولی ہے. غلط، دونوں باتیں غلط. آپ لوگوں کو یہاں آئے 7-8 مہینے نہیں ہوئے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ تیسری مرتبہ آپ نے ہماری رنگ رلیوں کو کسی نہ کسی طرح کمزوریاں جتا کر ہمارے نازک دل کو ٹھیس لگائی. کیوڑا 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 کیوڑا. اور یہ جو کہا ہے کہ یہاں آئے ہوئے 7-8 مہینے ہوئے ہیں وہ بھی غلط اور سراسر بے بنیاد. آپ لوگ جب آئے تھے تو ہم اکیلے کنوارے تھے، ہم نے ایمانداری سے ہر مہینے ایک ایک شادی کی. جن لوگ ہماری 12 رانیوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. فرماتی ہے 7-8 مہینے ہوئے. کیوں؟ اب تو ہم ادھر سے ادھر سے تینوں طرف سے گھر گئے. ابھی ایک طرف پروردگار، اس پالکی میں ہمارا خزانہ تھا. رنویر، مان سنگھ، تم دونوں پہ ہمیں بھروسہ ہے، جاؤ جنگل کے راستے سے جاؤ، 2-4 دن کی دیر لگے تو کوئی حرج نہیں. جاؤ یہ خزانہ ہماری پتری کماری چنتا منی کو سنگیت نگر میں سونپ کر کھول کر ہمارے پاس آؤ. ہم یہ ذمہ داری تم دونوں بہادروں پر چھوڑتے ہیں. بابا غنی ٹھیک ہے نا؟
दुश्मन के हाथ हमारी लाशों के सिवा कुछ ना आना चाहिए, वरना वो इसी दौलत से और ताकत जमा करके और खतरनाक बन सकता है। जाओ रणवीर, जाओ। मगर महाराज, हम दोनों तो चले जाएं और आप अकेले। हमारे सफेद दौलत से हमारी ताकत और अक्ल का गलत अंदाजा न करो रणवीर। हम वायदा करते हैं, जब तुम आओगे हमें जिंदा पाओगे। जाओ। शौर्य महाराज। महाराज, सरदार रणवीर और इनके बहनोई सिपा सालार मान सिंह को आप जिन रास्तों से भेज रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये उन रास्तों से कभी नहीं गुजरे। ओजी ओजी, शेर सिंह जंगल के सभी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है महाराज। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे इन लोगों के साथ ही शेर सिंह को साथ जाने का हुक्म दिया जाता। जो हर गया महाराज। जाने दीजिए, यहाँ पास ही जंगली लोगों की बस्ती है, मैं वहां जाके कुछ गुलाम खरीद लाता हूँ। और अब सांझ होने को है, आप यही काम फरमाइए, मैं मान सिंह जी को साथ ले जाता हूँ। मान सिंह जी आइए आइए आइए। Bye.
रहने दी हसे जिया किस बीते कल ना ही मोहरे भी तो दे रहा हूँ, ये लो संभालो भाई संभालो। तो क्या नाम है तुम्हारा? कील। सुनो कील। कील नहीं कील। अच्छा कील। कील नहीं कील। कभी कील कभी कील कभी है। सुनो, हमें कोई ऐसा मंचला भी दो जो चीते की तरह दबे पहुंच जाए। यू यू यू। और हमारे तीसरे साथी को जो दूर चट्टान पर लेटा हुआ है, हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दे। लेकिन ऐसा हो कि एक ही बार में काम तमाम कर दे। अगर चूक हो गई तो ओ जी फिर वो वापस नहीं आने का। सोने का टका दूंगा। क्यों, है कोई? राम जी, पता भी चला मैं कब यहाँ आई? चीते की तरह आई? यू? अरे शील, ये तो लड़की है, इस पे ये काम नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? छोड़ो भी, इससे ये काम नहीं होने का। बबर शेर, बबर शेर, बबर शेर, बबर शेर। अरे ये बब्बर शेर है क्या? अरे ये तो जंगली बिल्ली है, नट्टू बट्टू। मैं कहूँ तो अभी तुम्हारे तलवे काटने लगे। मेरे तलवे? अरे भागते कहाँ हो? मैं अपनी बंदूक तो ले आऊँ। बंदूक तो कब से तुम्हारे गले पड़ी है? अशील, ए नट्टू बट्टू, आओ इसके तलवे काटो। डरो नहीं, आओ ना। शील, मेरे तलवे ना चटवाओ। चाटने दो, ये नाराज हुए तो खा जाएंगे।
बस बस शील इनसे कहो रुक जाना। सामने कह दे तो ये रुके ले। चल रे नथु छोड़, ए बेला इधर आ रही, ले जाए जा, जाना। आओ सुनो सुनो, लाओ निकालो क्या दोगे। अरे लाओ तुम्हारा भी काम कर दूं। ओ जी मेरा काम? हाँ तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे साथी को करना है। हाँ करना तो है। हाँ यहाँ सावली से बढ़कर कोई नहीं, बस ये तो समझो ये गई और करके ये आई। अच्छा मैं सोने का एक टका दूंगा। एक? अरे दो देना दो, एक उसकी जान लेने का और एक तेरी जान बचाने का। परंतु देवी जी कुछ समझ में नहीं आया कि तुम चीज क्या हो, इस समय कहां से पधारी हो और ये मार्ग कौन सा है। पहले मच्छर सोने नहीं देते थे, अब जरा आंख लगी तो ऊपर से तूने सावली का अपमान किया है। मगर ये तो बता कि तू आसमान से टपकी क्यों? मैं टपकी? मैं आई। हाँ देवी तू आई मगर क्यों आई? तेरी जान लेने। ओ जान लेने? तो ठीक, देखो इस पोटली में मेरी जान पड़ी है, ले लो और 9 2 11 हो जाओ। ज्यादा बातें ना बनाओ, किसी तरह मुझसे दो दो हाथ करते हो या नहीं? देखो अभी कहती हो दो दो हाथ करो, फिर कहोगी आंखें चार करो। तू है क्या भला, ये महिमा क्या है? सांवली हूँ काया सांवली। अरे मैंने नाखूनों से शेरों के कलेजे नोचे हैं, तूने मुझे समझा क्या है? तुम बड़ी बहादुर हो, अब तुम जाओ और अपना रास्ता लापो। पहले तुम मुझसे युद्ध करो। युद्ध? हाँ युद्ध, देखो तो तुम्हारी बुझाओं में कितना बल है। अब बता फिर फिरी इस वक्त एक भले आदमी को परेशान करने का मतलब क्या है, बोल। भुजाओं का बल देखेंगे। देख लिया बल? तुमने अपना साथी भेजकर मेरे गांव से गुलाम क्यों खरीदे? वो देख वो पालकी है ना, उसको उठाने के लिए। अच्छा उस पालकी में तुम्हारी दुल्हन है, जाओ छोड़ दिया तरस खाकर, नहीं तो अभी चित कर देती। अरे तू क्या करती चित, खैर मना, मुझे गुस्सा नहीं आया। तो करते हो युद्ध? तू क्या करेगी युद्ध, युद्ध करना है तो अपने मर्द को भेज। मेरा मर्द नहीं है ना, इसीलिए करते। अच्छा तो आप कुंवारी हैं, तब तो बड़ी खतरनाक है।
चंबलू। देर हो गई। हाँ देर हो गई। मुझे डर है कि दोनों ने सलाह करके शायद एक दूसरे को मार दिया। तू फिर आ गई। मैंने हार मान ली, मैंने मान लिया कि तू बड़ी बहादुर है। अब तू मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं, मुझे सोने देगी या नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। मेरे हाथ से जो कटार छीनी है पहले वो वापस कर दो। देख देख हाथ पाथ कट जाएगा, बच्चे कटारों से नहीं खेला करते। बच्चा बच्चा हूँ मैं, जब तक मेरी कटार नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। ये लो चलो अपनी कटार। ठीक हो जाएगा, 20 गुलाम खरीद लिए, क्योंकि रास्ता इसके आगे और भी ज्यादा कठिन। हाँ मुझे मालूम, लेकिन मंजिल पे पहुंच के गुलामों को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने उनकी सामली से वादा किया। सामली? सामली? ओ जी ये सामली क्या कोई लड़की है जी? है जंगल की बंदरिया। यहाँ आई तो क्या चली गई? नहीं बंदी हुई। बंदी हुई? आप भी बड़े मजाक किए जी हैं, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। ओ वहां पे सजा मिल चुकी है, अब खोल रहे। हाँ 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 मैं खोल देता हूँ, आप लोग जाइए आराम कीजिए। वाह लेके आई थी कटार, कहती थी करूंगी वास, और यहाँ आराम फरमा रही। अरे मैंने खुद कुछ नहीं खाया है। लो अच्छा 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 हाथ पैर खोलने हैं। कह रही हूँ हाथ पैर खोल, कहता कुछ नहीं खाया है। तो क्या बांध के रखा है? अरे ये खोलना। अरे हाँ हाँ ये तो भूल ही गया, गठरी बना के जा रही थी क्या? मैं जा रही थी। चल ला मेरी रकम वापस कर। अरे जा रकम वापस कर, सबर कर जरा। एक बात सुन, है बड़ा हट्टा पट्टा, जोरदार है बड़ा, मुझे उठा लिया उसने। मेरी रकम ला, चल चल ला। फिर रकम ला रकम ला। अरे बचकर कहाँ जाएगा, तेरा सामली के हाथ तो देख। तो हाथ कब दिखाएगी? कल सुबह तो हम पूछ कर रहे हैं। पूछ कर रहे हैं तो मैं भी साथ जाऊंगी। वो कैसे? जैसे भी हो। फिर आ गई तू? कह दिया ना गुलाम मंजिल पर पहुंचते ही आजाद कर दी जाएंगे। राजा रात जो कुछ हुआ। माफी चाहती हो ना? अरे मेरे माफी का मान जा, मैं ये कहने आई थी
कि मैं दुल्हन की पालकी उठाऊंगी। जहाँ ये देश गुलाम जा रहे हैं वहाँ मुझे भी ले चलो ना। देख, रास्ता बड़ा कठिन है भाभी, तेरा काम नहीं। हाँ रास्ता तो कुछ कठिन ही है मगर राजा। कैसे दिया तेरा काम नहीं? राजा राज जो मैं करने आई थी वो मेरा काम था क्या? राजा देखो मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि मुझे साथ ले चलो। अरे मैं टका कमा लूंगी तेरा क्या जाएगा? और देखो उनकी बोली जो मैं समझ सकती हूँ वो तुम नहीं समझ सकते। मैं सब समझता हूँ। तुम कुछ नहीं समझते। हाँ भाई मैं चलती हूँ, चलो जोर लगाओ और उठाओ पाइसी। हाँ अरे ओम माता रानी, इसमें क्या सारे गाँव की दुल्हनें हैं क्या? ए झांक मत, सब मिलकर उठाओ। हाँ भाई चलो जोर लगाओ। इधर से आना, अरे इधर से, अरे इधर से। दूर में दरिया तोरी ओ यमराऊ बलमारी, दूर में दरिया तोरी ओ यमराऊ बलमारी। अरे उठा ना, अरे उठा उठा ना। दूर नजरिया तोरी ओ यमराऊ ओ बलमारी। दूर नजरिया तोरी ओ यमराऊ ओ बलमारी। यूं तो गोली मैं भी चला सकता हूँ लेकिन सोचता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अच्छा इसे मारकर तेरे हाथ क्या आएगा? जो पालकी में। अरे हाँ पालकी में कौन है? न खाती है न पीती है। पालकी में लक्ष्मी ही लक्ष्मी जो सबका पेट भरती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तू नहीं समझे तो अच्छा है। देख तू रणवीर को खत्म कर दे और मान सिंह को मैं साफ कर दूंगा। बाकी रहे ये गुलाम, जो पैरों में गिर जाएगा उसे दो एक टुकड़े फेंक दूंगा और जो जरा भौंका तो बस उसे फिर ऊंची ऊंची और उसके बाद सब माल अपना है। अपने का मतलब मेरा और तेरा? समझती नहीं है, अपने का मतलब होता है अपना यानी मेरा। और मेरा? तेरा क्या, दो चार मोरे दे दूंगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन देख आज का मौका चूकने ना पाए। अगर आज का मौका चूक गए तो बस जिंदगी भर कभी मौका नहीं मिलेगा, समझ गई ना? तो मैं फिर जाऊं? हाँ तो जा, जाती क्यों नहीं। हाँ। और ये मेरे कटा। हाँ हाँ जा जा जा। ओ बिल्लू के बच्चे कौन सा वक्त तेरा नाच सीख देगा? सुने नहीं यार। कौन साली? राजा तू यहाँ क्या कर रही? राजा मुझे आज्ञा दो कि जब तुम सो मैं खड़ी पहरा दिया कर। वो मानसिंह जी कहाँ? वो वहां पुल बनवा रहे हैं, कह रही थी कि जब तुम सो मैं खड़ी पहरा दिया कर। नहीं नहीं सारी जरूरत है मुझे। राजा मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगी, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जान खतरे में है। वो शेरती है ना। अभी मुझे पहले ही उसकी नीयत खराब दिख रही थी। तो खाम खा सकती हूँ राजा, मुझे गोली लगी है, मुझे छोड़कर चला जाओगे? अरे घबराती क्यों, जख्म गहरा नहीं, तुम ऐसा चलो। कोई चाल तो नहीं चल गए शेर सिंह जी? फिर पढ़ो, इसमें तो साफ लिखा है पालकी में खजाना है, हम खजाना लेकर आ रहे हैं। एक बार खजाना आप तक पहुंच जाए फिर रणवीर और मान सिंह वगैरह का क्या बंदोबस्त करना है वो आपसे मशवरा करके तय कर लिया जाएगा। गुलाम कोई ऐसा कदम ना उठाएगा जो सरकार हुस्न की मर्जी के खिलाफ हो। दिल का हाल क्या लिखूं? बस बस दिल का हाल हमें मालूम,
दिल का हाल चाल ये लो, ये मोहरे ली तुम्हारे सर से निछावर की और छन्न फेंक दी। ये सांवली बड़ी अजीब लड़की है, बाकी सब तो रहा होकर चलते बने, मगर उससे यही जिद कि मेरे गले में ताव डाल दो, मैं झांसी बनूंगी राजा की। बड़ी जान निसार है। अरे पागल है पागल, वो तो जान निसारों को पागल नहीं कहा करते मेरे भाई। अच्छा मेरी बहन, दो दिन भी नहीं ठहर सकते। अरे दो दिन तो क्या, मैं दो घड़ी भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि महाराज का हुक्म है कि कुमारी चिंतामणि जी को खजाना सौंपो और तोड़ कर वापस आओ। मान सिंह जी से मैंने कह दिया कि दो दिन के बाद वापस आएंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि बहन तो मुंह से कहेगी नहीं, तो मैं खुद ही उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ जाऊं, उसका भला क्यों ना कर दूं। जंग करती है तेरी तलवार मेरी। तुम फिर वही बात, तुम कहना भूल जाओ, यहाँ रहना है तो आप कहना सीखो। राजमहल की दासी बनना बच्चों का खेल नहीं। जाओ कुसुम बला सुराई लाओ, प्याली लाओ। ठहरो, इस तरह नहीं, यूं सर झुका के जाओ। समझ लो इस वक्त हम ही सरकार है, हम बुलाते हैं। कोई है? जाओ हमारे लिए कुसुम्बा लाओ, सुराई लाओ, प्याला लाओ। हाँ सरकार जी, सरकार 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 हाँ सरकार हाँ सरकार। डालू, तुम जंगली हो, जंगली। तुम नहीं यहाँ रहना है तो आप कहना सीखना है। बेहूदा, हाँ सुनो, 10-20 बार इस तरह चलो। रसीली लो, ये पोशाक पहन लो और ये बाल ठीक इस तरह बांधो, जरा इंसानों की तरह नजर आओ। सब्जी वाह 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 वाह, अब जरा उठना बैठना, बोलना चालना और चलना फिरना सीख ले, फिर देखना। यहाँ जरा ये चलने फिरने वाली बात मुश्किल है। अच्छा सांभी, अब जो तू यहाँ आई है तो फिर उल्टी चाल भी सीख। सरकार, हुजूर मालिक राजा, मैं आज इंसान नजर आने लगी ना। पड़ी तो ये क्या कर रही थी? जो सबक मुझे कामी ने सिखाया था उसे दोहरा रही थी। पर क्यों? मैं दासी बनूंगी ना सरकार, हुजूर मालिक राजा तुम्हारी। नहीं नहीं, यहाँ रहना है तो आप बन सकूंगी ना। ये देखो मेरा तो, मुझे तुम पर तरस आता है। क्यों अचला कर चलने वाली जंगल की मोरनी, कुदरत की गोद में पलकर आजाद जिंदगी बसर करने वाली हिरनी,
जा तो बन में ही शोभा देती, ये तो किस जंजाल में झगड़ी जा रही है रे, तू खाम खा एक बंधन में। ना, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं दासी बनूंगी, राजा दासी बनूंगी। मुझे बन में रहना होता तो साथी क्यों आती? तुम्हारी वो चंचलता, वो शोखियां, जिससे जंगल की मुस्काई हुई कलियां खिलखिलाने लगती थी, वो तेरा लड़पन, इन संगे मरमर की दीवारों में इसकी कौन कदर करेगा? कौन कदर करेगा? आप? मैं तो पगली एक दिन के लिए आया हूं। कुमारी चिंता में फुर्सत मिल गई हमारे पास आने की। अकेला कह रही थी कि भाई ने बहन पे मुहरें ठावर की है आज। जहां मुद्दत के बाद मिले थे, बहन मुझ पर कुर्बान हो गई, मैंने उसके सर से मुहरें निछावर कर दी। और हम पे? आप पे? आप तो जान निछावर। हमारे लिए लेकर क्या है? सब कुछ। मसलन? खजाना। वो तो हमारे पिता ने भेजा है। रणबीर, वो तो पहले ही हमारा था ना? तो तुम्हारा नाम क्या है? सावली, इधर आओ, आओ ना। ये सावली लाया हूं, ये दासी लाया हूं, ये जंगल के गीत सुनाया करेगी और इन गीतों से मेरी याद दिलाया करेगी। एहसान किया करेगी सावली? अब जान निसार इतनी है कि वक्त पड़ा तो जान से खेल जाएगी। सावली, अच्छा हुआ तुम साथ आ गए, हम तुम्हें कुमारी चिंतामणि की भेंट चढ़ाते हैं, मगर देखना हमारी आदमी को बच्चा न लगे। और कुमारी चिंतामणि, अगर इससे कोई फूल हो जाए तो उसे मेरी फूल समझ के माफ कर दीजिएगा। हम इसे इस दर्जी की वजह पूछ सकते हैं? इसने मेरी जान बचाई थी, जो गोली मेरे सीने से पार होने आई थी इसने बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया था। अच्छा, तो लड़ाई के मैदान में हमारे बहादुर की कहानी ने एक एक सामरी भी रखी हुई है जो गोली से पहले लिपट कर गोली का रास्ता रोक लेती। ये वाकया लड़ाई के मैदान में नहीं, जंगल में आते हुए पेश आया। मालिक, मैं वापस जाऊंगी। अब तुम कैसे जा सकती हो सांगी? हमने तुम्हें इनकी नजर कर दिया। जो हो, तो कुछ दिन ठहरोगे नहीं? कैसे ठहर सकता हूँ, महाराज के हुक्म है कि उड़कर वापस आओ। आए भी तो सपने की तरह। Good night.
साजन आए सपना बनता जन आए हम देख देख मुस्काए हम देख देख मुस्काए ये मेला घर आए शर्माए सपना बनता जन आए सपना बनता जन बिछ गए बादल बनकर सागर बिछ गए बादल बनकर सागर इंद्रधनुष पे हमने जाकर झूले खूब झूलाए झूले खूब झूलाए ये मेला भर आए शर्माए सपना बनता जन आए सपना बनता जन नील गगन के सुंदर तारे नील गगन के सुंदर तारे फूल समझ अति न्यारे फूल समझ अति न्यारे झोली में भर लाए झोली में भर लाए मेला भर लाए शर्माए सपना बनता जन आए सपना बनता जन मस्त पवन थी हमसे अकेले मस्त पवन थी हमसे अकेले मिल मिल कर गर था चंग खेले मिल मिल कर गर था चंग खेले फूल नहीं समाए हम फूल नहीं समाए ये मेला भर आए शर्माए सपना बनता जन आए सपना बनता जन घोड़े तैयार करूं सरकार होती बुद्धू घोड़े नहीं घोड़ा मैं तो कल परसों तक जाऊंगा अच्छा तो रणबीर सिंह जी का घोड़ा तैयार करो वो पौ फटने से पहले पहले जाना चाहते हैं तो आप कल परसों जाएंगे हाँ हाँ सरकार मुबारक हो कबूतर एक और पैगाम लाया है ये लीजिए मेरी बेसब्री और मेरी बेवकूफी समझे रास्ते में चूक हो गई रणबीर पर गोली चला दी वार भी खाली गया और मुझे भी भागना पड़ा रणबीर आपकी आंखों का मतवाला है जो जहर कामनी के पास है अगर उसकी एक बूंद रणबीर को रुख्सत होते वक्त पिला दें तो काम बन जाएगा रणबीर वहां से रवाना तो हो जाएगा मगर मंजिल पर ना पहुंच सकेगा क्या लिखा है इसमें पढ़ो अरे इसमें तो मेरा नाम भी लिखा है कामनी के पास जो जहर है उसकी एक बूंद भी चोरी तुम्हारे पास ऐसा घर है हाँ हर वक्त रखती हूँ न जाने कब जरूरत पड़ जाए मेरी सरकार को ये देखी तो जल्दी करो वो सुराही और प्याला उठा लो ये प्याला ले जाओ
जैसे ही रणवीर घोड़े पर सवार हो आगे बढ़कर कहना तुम्हारी चिंतामणि ने प्याले में अपना दिल भेजा है। समझी, ये हमारा दिल है, ये आपका दिल है तो ये मेरा दिल है। आपके दिल से मेरा दिल क्या मिला है मेरी सरकार। जाओ रणवीर, हटा पाओ। सो रहे हैं ना तेरे सुकूत, इस वक्त या तुम जाग रही हो या मैं जाग रहा। मां देश की लाज बचाने वाले खुद अपने हाथों तेरी इज्जत का सौदा कर रहे हैं, और उन भेड़ियों के हाथ जो व्यापारियों का बहरूप भरकर हजार कोस से समंदर चीरते हुए तेरे खून का आखिरी कतरा चूसने आए। मां जगा दे अपने बहादुरों की सोई हुई गैरत, फिर उनको वो नजर कि वो दुश्मन और दोस्त में तमीज कर सके। वैसे तो तेरा एक एक सूरमा सौ सौ पर हावी है, अगर दुर्भाग्य तो यह कि दुश्मन चाल ऐसी चल रहा है कि भाई भाई के मुकाबले में आ रहा है, वो भी इस लालच से कि वो विदेशियों से तिजारत करके अपनी तिजोरियां भर ले। मां मां आबरू की हिफाजत तलवारों से होती है, तराजुओं के पल्लों से नहीं। जो तेरे टुकड़े तराजू में रखकर तोल रहे हैं उनके दिल में वो तड़प पैदा कर कि वो तराजुओं को फेंक तलवारों का आसरा दे। हुकूमत बादशाहों का हिस्सा है, मिर्च मसाला बेचने वालों का नहीं। ये वक्त इम्तिहान का है। जो तेरे रणवीर को दिखाई दे रहा है वो तेरे रंगीले गांव का नजर क्यों नहीं आ रहा? रणवीर, अयरों की टोलियां हमारे खून से होली खेल रही हैं और हम चुप हैं। दो चार सर फिरे जो इस तूफान का मुकाबला करने निकले उनके अपने भाइयों ने मूर्ख समझकर उनसे अलग हो गए। मां हम सरफिरों के बाजू में वो ताकत दे कि एक हाथ से वतन फरोश भाइयों को थामे रहे और दूसरे हाथ से उन तलवारों की प्यास बुझाए जो सफेद खून की प्यास हुई है। कुमारी चिंतामणि ने इसमें अपना दिल भेजा है। सुल्लो, तू गधा, ये क्या किया तुमने? जब दोनों हमारा हाथ में है तो हम समझता आप लड़ाई कर चार दिन तो फिर मानता ऐसा वैसा करता। ओ जी ऐसा वैसा नहीं, आपका जो जी में आए वो कीजिए। देखिए राणा तांबा की हालत मैंने आपसे बयान कर दी, ले दे के उसके पास दो तोपें और 60-70 सिपाही और उनमें से भी आधे बूढ़े खुसक। मेरा ख्याल है इधर मैंने कबूतर के जरिए पैगाम भेजा और उधर सब के सब हाथ बांध कर किले के बाहर आन खड़े होंगे। शेर सिंह, हम तुम्हारी समझ पर अफरीन बोलता। हमसे दोस्ती किया, हम एक दिन बहुत कमाए। हमारे साथ जो वायदा किया है तो पूरा करना होगा सरकार। ओ बेफिक्र रहो। शेर सिंह,
बोलता राजा थम्बा कभी ही हमारी मदद करेगा। हम नहीं मानता, ऐसा कभी होता? ओ जी ऐसा नहीं होता तो आपके कदम यहाँ जमते। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। नहीं समझे? घर का भेदी लंका ढाए। जी शान सिपह सालार, ये हम हैं कि आप हैं? अगर हम नहीं होते तो बस फिर ओ जी महाराज आहिस्ता बोलो रणवीर, हमारे बेटों की अभी भी आंख लगी है। देख लो, हमने अपना वचन पूरा किया। हमने कहा था ना कि जब तुम आओगे हमें जिंदा पाओगे। अभी तक हम जिंदा हैं और जाग रहे हैं। ये हमारे बच्चे थककर सो गए हैं। महाराज, खजाना कुमारी चिंतामणि को पहुंचा दिया गया है। मानसिंह जी कल रवाना होंगे। रास्ते में शेर सिंह तो हमें नाम न लो उस नमक हराम का। वो दुश्मनों से क्या मिला है? उसने कबूतरों के जरिए पैगाम भी भेजे हैं कि अतायत कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। कायर समझता है हमें इज्जत से ज्यादा जान प्यारी है। हमको राजा रंगेरे राव की दोस्ती छोड़ो। यकीनन हमारे तो किसी से दुश्मनी नहीं। आप हमारे रानियों से पूछिए, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, हमें तो सब पे प्यार आता है। इस तलवार से हमें क्या मतलब? लाइए महाराज, इसे मैं गोद में ले लूं। हाँ, इसे तुम गोद में उठा लो। उस्ताद देख लो, ये है पुर्तगाली। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं हुजूर के कदमों पर से। ये सफेदे शेर सिंह जी कहां से लाए सरकार? उस्ताद भी बड़ा उस्ताद। हम विजयनगर वालों की तरह अपनी राजधानी, जिसे हम संगीत नगर कहकर खुश होते हैं, जन्नत का एक नमूना बनाना चाहते हैं। कुछ परियां इस जन्नत की रौनक बढ़ाने के लिए हम आपके मुल्क से भी मंगाएंगे। ये तकलीफ तो हम आपको जरूर देंगे। महाराज, ये तकलीफ का है? ये तो ऐन मुसर्रत होगी। शेर सिंह तुम भी बहुत अच्छे हो। विजयनगर में सब आदि घोड़े हम मुहैया कर। महाराज, अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए भी बेहतरीन घोड़े मुहैया किए जा सकते। घोड़े? ओ जी खालिस अरबी नस्ल के घोड़े। महाराज, शेर सिंह यहाँ घोड़ों का शौक नहीं। तकलीफ ये है कि घोड़े खरीदो तो उन पर चढ़ना पड़ता है। हमको तो सिर्फ एक ही शौक है। कहे जी, आपके साथ कोई पुर्तगालन नहीं आई? जी नहीं, ये लोग अभी ये दिलचस्पियां मुहैया नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आपका खाकसार आपके मजाक से बखूबी वाकिफ है, इसलिए इनके इंतहाज के साथ साथ खुद भी खाली हाथ नहीं आया। एक नाचीज सतोफा लाया। कौन सा तोहफा? अपना धून पेश करो उस मापारा को, सामने लाओ गुलबदन को। क्या कहा? गुलबदन? ओ जी गुलबदन, के जिसका कुल वजन फूल की एक कली से कम। मिस्र की साहिरा, वादिय नील की वो हसीना, के जिसका रक्त देख देख कर महाराज आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाएगी, एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाएगी कि आप ये महसूस करेंगे कि किसी ने चुपचाप आपकी आंखों में ममीरे के सुर में की सिलाई फेर दी। क्या है? शेर सिंह जी को कुमारी चिंतामणि ने याद फरमाया। महाराज, मुझे इजाजत। शेर सिंह, तुम जाओ। अपना तुम आने दो महापारा को। आलीजा, मैंने तो ऐसे मटकों में से फनीर साफ निकलते देखे हैं, और ये गुलबदन। Thank you.
मामले प्यारे तू खुल खुल कर रहती है जब रंगशाला में नाच हो रहा है तो बीजा के बैठ राजकुमारी चिंतामणि नहीं गई तो मैं कैसे जा सकती हूँ अच्छा तो जा राजकुमारी चिंतामणि से क्या मैं उन्हें मिलने आ रही हूँ बड़े हो मिला तो कभी कालीकट पे गोले बरसा दिए या कोई इक्का दुक्का अरब या हिंदुस्तानी जहाज लूट कर उसके मुसाफिरों हाजियों बच्चों और औरतों को जिस तरह चाह मौत के घाट उतार वो इसी में अपनी बहादुरी समझते हैं उनके जुल्म की कहानियां हर रोज उनके लिए नए नए दुश्मन पैदा कर रही है हमें क्या हमें तो अपना उद्दू सीधा करना है अभी अभी खबर मिली है गुजरात का राजा और मिस्र का सुल्तान दोनों मिलकर उनकी हस्ती मिटा देने की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें गोवा बचाने की फिक्र दामनगीर है और मैं ये सोच रहा हूं कि संगीत नगर पर आंच यहां का रंगीला राव तो अपनी रानियों के चक्कर में और यहां के सिपाही घुंघरू बांधकर नृत्य सीख रहे हैं मेरी थोड़ी सी फौज का मुकाबला भी न कर पाएंगे
आंवली जुल्फों, इन शरबती आंखों, इन गुलाबी होठों और इन संदली कलाइयों की कसम खाकर कहता हूं कि सावन खत्म होने से पहले पहले गिनती के चंद सिपाही लेकर आऊंगा, और वो भी इस तरह कि रंगीले राव ये समझे कि मैं उसके लिए परियां जमा करके ला रहा हूं या कोई कारवाने हुस्न लिए चला रहा हूं। आन की आन में संगीत नगर पर काबिज हो जाऊंगा। वक्त की मजबूरी है बाबा गनी, वक्त की मजबूरी। हम रंगीले राव से जाकर भीख मांगेंगे, भाई है शायद झोली भर दे। वो हमारे साथ हो तो फिर मैदान हमारा है, जब तक हम वापस न लौटे कले की हिफाजत रणवीर और आप लोगों के हाथ है। मानसिंह और रोहित को हम अपने साथ लिए जा रहे हैं। महाराज, इस बिल्ली ने आपका रास्ता काटा है, आप न जाए तो अच्छा है। रणवीर, ऐसे वहम नहीं किया करते। क्या डाला है इसमें? जहर। ओजी ओजी, आपके होंठ लगते ही जहर अमृत बन गया, तो पियो। ओजी ओजी, मैं तो सबका सब पी गया। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? फिर से सच सच बताइएगा। शेर सिंह, जो खेल हम खेल रहे हैं उसकी बाजी झूठ के मोहल्ले से जीती जाती है, समझे? शेर सिंह, हमें हासिल करना चाहता है। हाँ, शेर सिंह आपको हासिल करना चाहता है, और आपको हासिल करके एक ऐसी सल्तनत की बुनियादें रखना चाहता है जिसके ख्वाब इन शरबती आंखों ने बचपन से देखी। शेर सिंह को इन बाजू पे नाज़, शेर सिंह को इन बाजू पे नहीं, इस खोपरी पर नाज़ है जिसके जोर से वो हमेशा नई से नई चाल चलता है। अक्ल से इंसान ताकत और से ताकत और दरिंदे को अपने काबू में ला सकता है। दुनिया में फतेह होती है। फरेब की, ओजी ओजी, फरेब से हर मुश्किल आसान हो जाती। एक बात और सुनिए, सुनिए, आप ऐसी ही चाल चलिए जिससे आपके पिता हथियार डाल दें, पुर्तगेज समझेंगे मेरी दोस्ती काम आई और राजा तांबा ने अतायत कबूल कर ली। और दूसरी बात, रणवीर को खत्म करना भी जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी। अच्छा, तो अपने देशभक्त पिता और मेरे देवतात्मन भाई से जिनावन जीव बदला ले रही है? क्यों सांगली, इस तरह खबर करें उन वीरों को कि जिनकी खातिर वो जान दे रहे हैं वही मीठी छुरी बनकर चुपचाप उनका गला काटने की तरकीबें सोच रहे हैं? किस तरह खबर करें? मैं जाऊं? ये काम आपका नहीं, ये मेरा है। पर मेरी बात का राजा को यकीन ना होगा। आप चिट्ठी में लिख लीजिए, मैं चिट्ठी लेकर जाऊंगी। किस्मत ने आज सामने की सुन ली, मैं जान पर खेल जाऊंगी। मैं जंगल पहाड़ नदियां नाले चीरते हुए जाऊंगी और चिट्ठी को आपके भाई तक पहुंचा दूंगी। बस रणवीर को चिट्ठी मिल जाए फिर इनकी सब पोल खुल जाएगी और इनको इनके किए का वो फल मिलेगा कि उम्र भर याद रखे। मैं कसम खाती हूँ ये चिट्ठी लेकर उनके पास जरूर जाऊंगी, फिर चाहे जाते ही उनके कदमों पे गिर के दम क्यों न तोड़ दूं, लेकिन वो ये चिट्ठी जरूर पढ़ लेंगे, वो खतरे से खबरदार हो जाएंगे, वो इसे पढ़कर बहुत खुश होंगे, फिर वो मेरी बहादुरी का इनाम देने के लिए मेरी लाश के पास खड़े होकर जोर से नारा लगाएंगे, सामने की जय हो। मैं सुन तो सब कुछ लूंगी लेकिन उनसे कुछ नहीं कहूंगी, मरने वाले जबान नहीं खोला करते। आप मुझे चिट्ठी लिख दीजिए ना।
मुझे जरा चला चला उसका इंतजाम आज ही हो जाएगा। ओ जी ओ जी। पर ये क्या, मैंने मोती के कपड़े पहन लिए हैं ताकि किसी को शक ना हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज रंगेले राव का हुक्म है कि हम आपको गिरफ्तार कर ले। और कुमारी चिंतामणि का भी यही हुक्म है कि आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। महाराज का घोड़ा खंडर तो फान गया, महाराज जी से ही मर गया। महाराज के न जाने कहां चोट आई, तब से बेहोश पड़े हुए। क्या करें, आवाजें हैं। नहीं महाराज, कीड़ों की आवाज नहीं, सरबती का सरफरोशों की गर्द का इम्तिहान क्यों लिया जा रहा। वतन से चीने पीनी बहादुरों की दम से जिन्हें इतनी जल्दी अपने हुजूर में बुला रहे हो। महाराज तामा को दुश्मनों के हवाले किया जाएगा। नहीं, कैदियों के सतन से जुदा नहीं किए जाएंगे और ना ही रियायत के बच्चों बूढ़ों और औरतों को मौत की घाट उतारा जाएगा। क्या कह रहा हूँ, मैं खुद महाराज का भेद बदल कर अपने आप को उनके हवाले कर रहा हूँ। संजीव जाओ, जिस तरह भी हो महाराज को दीवार फांद कर सही सलामत यहाँ से ले जाओ। जिम्मेदारी तुम्हारी, हम आज राजा तामा बनकर अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर देंगे। जाओ कह दो कि कैदियों और बेगुनाह रियाया को छोड़ दिया जाए। राजा तामा खुद किले से बाहर आ रहे हैं। महतरीन दोस्त, आज एक तरबियत की ताजी शाही सर पर रखकर देख ली, मोहसिन इस गुस्ताखी के लिए मुआफ करना। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम तुम्हें सिर्फ मौत की सजा दे रहे हैं, सिर्फ मौत की सजा। महाराज जी की बातों में आकर मुझे मौत की सजा दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं कल वो आपको क्या सजा देंगे? खामोश गुप्ता, हम फैसला सुना चुके हैं, ले जाए इसे। और वो फांदी वांदी जो उसकी मददगार है, जब वो पकड़ी जाए उसके लिए ये हुक्म है कि उसकी आंखें निकाल ली जाए और उसका हाथ पैर काट कर उसी जंगल में छोड़ दिया जाए जहां से वो आई थी। तुम्हारी चिंता नहीं, हमारा इंसाफ कैसा। अभी तक तो बहुत अच्छा है महाराज। ले जा। Thank you.
भी हो जी, घबराने की कोई बात नहीं। मैं पूछता हूँ बाबा गनी से। बाबा गनी, पहचाना मुझे? तुम कभी हमारे थे, बस इतना याद। अब तुम गैरों से जा मिले, खुदा करे इसे जमाना भूल जाए। बाबा गनी बड़े बामजाक है। अच्छा ये बतलाओ, महाराज को कहाँ छुपा रखा? ओ, सबके सामने नहीं कहना चाहते तो लो मेरे कान में कह। जमीन निकल गई या आसमान में उड़ गया? ये जमीन और आसमान के मालिक से पूछिए। बाबा गनी, दुश्मन हमको धोखा देने से पहले तुमको चाल चला। तुम नहीं समझा, दुश्मन तुमको चाल चला। दुश्मन? ओ जी, अभी वक्त है बाबा गनी, ये राज हमें बतला दो कि महाराज को कहाँ छुपा रखा है। बतला दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है? ये लोग जान बख्शी कर देंगे और मेरी तरफ से हीरे और जोहरात नजर किए जाएंगे। मैं दुर्वेश, मुझे मुबारक ये तस्वीर के दाने, मुझे क्या गर्व लालो जवाहर से? तो फिर ये बहरूप किस लालच में आकर भरा है? बाबा गनी, लालच? अरे पूछू, ये खिदमत की जज्बे की खातिर कर रहे हो गनी? और मैं कहूंगा कि मादरे वतन के एहसानों का बदला चुकाने के लिए शहीद बनकर वतन की खिदमत करना गद्दार बनकर वतन फरोशी करने से बेहतर है। शेर सिंह, नमक हरामों को कुत्ते से सबक सीखना चाहिए। खामोश। आप लोग इस कैदी से जो मुनासिब समझे सलूक कर सकते हैं, मुझे इस सन के बुड्ढे से कोई हमदर्दी नहीं है। कौन? छावनी? इस बहरूप में? अपने हाथों, मैं तो नगर निगम से मेरा तो घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है। मुझे तो तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर भेजा गया है। चिट्ठी? चिंतामणि ने भेजी? नहीं, तुम्हारी बहन चला ने। लाओ। ठहरो, पहले एक जख्म तो धो लो। क्या इस चिट्ठी में भी कोई नश्तर है दिल में चुभाने के लिए? क्या लिखा है सर? मुझे क्या पढ़ना आता है? अभी पढ़ लेना, पहले जख्म धो लो। मेरे हाथ टूटे, ये मैंने क्या किया? जख्म को इतना गहरा नहीं, तुम चिट्ठी लाओ। लो पढ़ लो, पढ़ लीजिए। रणवीर, क्या है? कुछ नहीं महाराज, अचला ने पत्र भेजा है।
मुझे यकीन नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। बाबा गनी एक मुसलमानों के हिंदू राज्य को मदद करते हैं, अफसोस है। मरहबा, क्या चाल चलते हो सफेद चमड़ी वालों? मैं पूछ सकता हूँ इस्लाम का वास्ता देने वालों, अरबों की जान और माल के पीछे हाथों की क्यों पड़े हो? वो भी तो मुसलमान है। मैं नाम नहीं लूंगा उन हिंदू राजाओं का जिन्हें टोपियां और बारूद बेचकर अपनों के खिलाफ हमारा जंग कर रहे हो। वो भी तो हिंदू है, पर तुम्हें न मुसलमान का लिहाज है न हिंदू का खौफ। तुम न असलम के दोस्त हो न शंकर के जानिसार। तुम्हें तो गर्व है मालो दौलत से, और इस दौलत को तुम मेरे वतन से लूट कर अपने मुल्क की तिजोरियां भर रहे हो। तुम्हारा बद किस्मती, तुम अपनी मौत का खुद तलबगार। तुम्हारा सर पूरा रास्ते कटाएगा या तुम सब रह गए? शुक्रिया, मेरी राय से मेरी मौत हो, इस बात का शुक्रिया। सर पर दोस्त का ताज है, कुल्हाड़ी के सामने नहीं झुकेगा। इसलिए आए मेहरबान सिपाही साला, इस तोप के गोले से मेरी जान ली जाए। तहवीर, हमारा हुक्म है, इसमें जो कुछ लिखा है पढ़कर सुनाओ। तैयार हो जाओ। और किस तरह तैयार हो जाओ? अरे जो सर से कफन बांध कर निकले हो उनसे बार बार क्यों कहते हो मैं तैयार हो जाओ? तैयारी तो करनी है मेरे भाई को, इसे भूखी तोप के पेट को बारूद से भरना है। तो तैयार है तो फिर इंतजार किस बात का है? इंतजार तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधना। मैं कायर नहीं, मुझे आखिरी दम तक ये नजारा तो देखने दो, किस तरह कारण के हाथ देख कर भाई भाई को तोप के गोले से उड़ा देता है। जाओ जाओ, नहीं ये मुझसे ना हो सकेगा। राजा मुझे भी तोप के गोले से मरहबा मेरे दोस्त। मैं सामने के हाथ चिट्ठी भेज रही हूँ, मैं यात्रा के बहाने कल ही बनारस रवाना हो जाऊंगी, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शेर सिंह का वार चल गया, वो रंगीले राव के पास विदेशियों को लेकर पहुंच गया है। और हमारी पुत्री चिंतामणि? तुम्हारी चिंतामणि ने राजकुमारी चिंतामणि ने अपने आप को पापी शेर सिंह के हाथ बेचकर उन शेरों की आबरू को बट्टा लगाया है जो सब कुछ कुर्बान करके देश की खातिर गैरों से जंग कर रहे हैं। पढ़े जाओ, इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है? पढ़े जाओ। बेटी ने दुश्मन से वादा किया है कि अगर लड़ाई के मैदान में दुश्मन को कामयाबी न हुई तो वो अपनी मक्कारी से अपने पिता और उनके साथियों को जंजीरों में जकड़ कर खुद दुश्मन की भेंट चढ़ाएगी, इसलिए खबरदार कर रही हूँ। तो दहाने से पहले एक बार बुलंद आवाज में कह दे, राजा तामा जिंदाबाद, राजा तामा जिंदाबाद। यही तेरा इंसाफ है ना कि आबरू पर मर मिटने वाले वीरों, देश पर कुर्बान होने वाले बहादुरों और तख्त शाही पर हुकूमत करने वाले शाहों का इस तरह खात्मा हो, इस तरह अंत हो कि उनकी चिता के लिए यूं इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी की जाए? ये देखो संदास उस राजा की है जिसे उसकी प्रजा ने मुंह बोला, उस बाप की है जिसे बेटी ने मजबूर किया कि वो शर्म से आंखें बंद करे, उस गैरतमंद सूरमा की है कि जिसने अपने हाथों अपनी पेशानी पे अपने खून से टीका दिया। मेरे बदनसीब देश, ये चिता तेरा लुटा हुआ नसीब, हिंदुस्तान की सजा सर पीठ मातम करे वीरता के तेरा सुहाग लुटा है। महाराज आपके पवित्र चरणों की कसम खाता हूं कि जब तक आपके दुश्मनों से बदला न ले लूं, जब तक खैरों को देश से न निकाल दूं, न दाएं हाथ से पानी पीऊंगा, न चारपाई पे सोऊंगा, न थाली मन खाऊंगा। रंगीले राव को खुश होना चाहिए कि आज हम उन्हें और उनकी रानियों को मौत की सजा देते हैं, सिर्फ मौत की सजा।
रंगीले राज रंगरंगियों का है खत्म हो गया और संगीत नगर का ये ताज आज से हमारे सब पर शोभा देगा। संगीत नगर पर महाराजा शेर सिंह और महारानी चिंतामणि हुकूमत करेंगे। राजधानी के कोने कोने में खबर कर दो कि जो नादानियां इस हविष पर और हुस्न पर राजा कहत में होती थी नए हुक्मरान उन्हें हरकिस हरकिस का आरा नहीं करेंगे। क्यों ठीक है ना? रंजीत नगर पर महाराजा शेर सिंह और महारानी चिंतामणि हुकूमत करेगा। अगर झंडा तो पुतकाल कहीं लहराएगा। झंडा तो पुतकाल कहीं लहराएगा। और अगर कोई शख्स पुर्तगेजों के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से निकालेगा तो उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अब तुम जाओ और अपनी राह लो। मैं महाराज की आखिरी क्रिया करने बनारस जाऊंगा और वहीं अचला से भी मिलूंगा। और फिर वही दीवानगी, वही धुन, वही लगन कि किस तरह गैरों को कुचल डालूं और अपनों को जिन्होंने इस तरह धोखा दिया ऐसी सजा दूं कि मरने वाले की आत्मा को शांति हो और जीते जी जलने वाले का कलेजा ठंडा हो। मेरी जरूरत? कोई जरूरत नहीं। एक बार तुमने इस बेवफा की नजर कर दिया, अच्छा हुआ तुम्हें छुटकारा मिल गया। तुम्हें भी तो छुटकारा मिल गया। आओ तुम्हें आजाद कर दो, अपने हाथों से स्टॉक के गुलामी को तोड़ दी। ना ऐसा ना कर, ये मेरा जेवर है और औरत को जेवर प्यारा होता है। मैं तो उसे जानबूझ कर बनी थी, अब जबकि एक बार बन चुकी ना। बार बार अश्ला की भेजी हुई चिट्ठी पढ़ता, उसमें तो लिखा था मैं तुम्हें काशी में मिलूंगी, मगर कोई नहीं मिला। मेरी नजर चिंतामणि की दी हुई अंगूठी पर पड़ती तो वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते, हमारे लिए लेकर के आए रणबीर तो पहले ही हमारा था ना। मैं अपनी तलवार देखता तो महसूस करता कि इसने भी मुझे धोखा दिया, इन सब ने मुझे धोखा दिया। मैं समझता रहा मैं बहादुर, मगर जिंदगी ने वीरता दिखाने का मौका ही नहीं। निराशा निराशा घोर निराशा, कुछ सुझाई न देता था। मैं कायर था, मैं यूं ही डरने लगा, मैं जिंदगी से खौफ खाने लगा। तलवार अब मेरे हाथ में शोभा नहीं दे रही थी। सामने नहीं आई, वो तो न जाने किस ध्यान में, न जाने किसके ध्यान में उदास खड़ी है। अच्छा सुनिए बाहर ही है, बात करो, काटने को देखती
नैना, सावली तो उदास खड़े खड़े आंसुओं से तालाब भर रही है। आपके फागुन में भादों ले आई है वो। दिन गुजरे, दिनों की आड़ में महीने गुजरते, बहारें आईं, बहारें चली। मैं सूखे दरख्त देखता तो कहता, तुम ही मेरी तरह हो, तन्हा। तुम्हें पत्ते छोड़ गए और मैं वो सेनापति की जिसकी सेना ही। कभी कभी उठते हुए परिंदों से पूछता, ए पक्षियों, मेरी सेना बनकर दुश्मन से लड़ोगे? कायर, ये भारत का कल्याण करेंगे। दिल में धुआं उठता रहा और एक दिन यही धुआं सामने की याद बनकर उन्हीं राहों से वापस ले आया जिन राहों से एक बार गुजरा था। राजा तांबा, या रणवीर का पता बताएगा उसको शाही खजाने से 1000 मोहरे मिलेगी। कई बार तो रात रात भर पानी में रहना पड़ा। दिल पे तो नाज़ था हमें,
बीमार आदमी मेरी नाव में आया है तुम्हें बुलाता है। दूर हो, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं। अरे बाबा इसका तो माथा खराब। जिसका मुझे इंतजार है वो नाव में बैठकर नहीं किसी दिन घोड़े पे चलकर आएगा। शायद आ चुका हो, शायद आकर चला भी गया हो। गया नहीं सामने। राजा तुम्हें मेरा इंतजार था। चुप। मैं बस कुछ बदल गया हूँ। क्यों नहीं मैं चुप। तू रो रही है पंडित। चुप। तुम्हें तो बुखार है। चुप। और तुम भीगे हुए कपड़ों में इस तरह खड़े हो। चुप। चलो मैं अपनी बैग के पास ले चलो। चलो चाचा वैद, एक बात बता दो मुझे। क्या? ये कल सवेरे तक अच्छा हो जाएगा ना? अरे बावली तू क्यों घबराती है, बहुत जल्द अच्छा हो जाए। मेरी कसम। तेरी कसम। राम कसम। राम कसम। काशी में अचला का कोई पता नहीं मिला। मैं जाने जीती है या मर गई। और हो सकता है कि वो अभी तक संगीत नगर में ही बन गए। हो सकता है। सामने अब संसार में कोई नहीं रहा। चिंतामणि, ना उसकी सूरत देख सकता हूँ ना उस बेवफा की याद भुला सकता हूँ। ये देखो उसकी अंगूठी कितनी बार फेंकी मगर फिर ढूंढी असल पहनी। अब मैं थोड़े ही दिनों का मेहमान। चुप। चुप। सोचा मरने से पहले शामली का भला कर दूं। सच? कैसे? कैसे? दुश्मन ने ढिंडोरा पीट रखा है कि जो मेरा पता बताएगा उसको 1000 मोहरे इनाम मिलेंगे। इसलिए सोचा। इसलिए सोचा कि सामने को मोहरों की बड़ी जरूरत है, वो तुम्हें दुश्मन को देकर 1000 मोहरे से झोली भर लेगी। 1000 मोहरे बहुत होती है ना? अपनी बात भी गजब की करता है। जो खुद बिक चुकी है वो तुम्हें क्या बेचेगी? देखो आज मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे दिलगीर ना करो। ये तो सोचो
कि सांवले की किस्मत कितनी अच्छी है जो राजा खुद चलकर आए। राजा सोचते क्या? अरे इसमें चिंता किस बात की है? सांवले तुम्हारे साथ है, हमारे गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। एक बार हुक्म करो और धावा बोल दो, फिर देखो। जीरन में डरते केसरी, जीरन में डरते केसरी, इदी थर थर कांपे आसमान, रन में सूरमा, इदी थर थर कांपे आसमान, रन में सूरमा। मैं क्या करूं? मुझे कहीं छुपा लेना। अरे मैं कहां छुपा लूं, अपने राजा से कहो ना। और सुन लू, चरणों में बिक जाए। तू तो आ जा रे नैनों में बस जा, तू तो आ जा रे नैनों में बस जा। मेरा मन जंगल का मोर कालमा, साजना मन जंगल का मोर। हम दोनों निर्माण मा, हम दोनों निर्माण मा, तो ढूंढ रहे चोर। तू तो आ जा रे नैनों में बस जा, तू तो आ जा रे नैनों में बस जा। चंद्र जा फिर नहीं खारी, तू जो किराना है माता किनारे। मैंने संध्या चल रही और जीवन कीर्तन और कालमा, साजना जीवन कीर्तन और सावरिया संग मैं रहूं, सावरिया संग मैं रहूं। सुनों में बात तो आ जा रे नैनों में बस जा, तो आ जा रे नैनों में बस जा। ये देख कहां बैठा हुआ है। देखा बिटिया मेरी बूटियों का चमत्कार देखा। अरे ये पट्टियां तो ले, इन्हें पीसकर हिरनी के दूध में एक दो बार और पिला देना, ना दर्द रहेगा और ना खांसी। जो हमें देते हो वो गधी के दूध में पीस के देते हो, ये क्यों? भाई जैसा रोगी वैसी दवा है। ओ भगेने, मैं शिकार मारने जा रही हूँ, तू चलेगा ना? सांवली तू जा, मुझे आज राजा की दाढ़ी मुंडनी है, राजा की भी। अरे मुंडवा लूंगा किसी दिन, मुझे कौन सी जल्दी। हाँ
आज तुम दाढ़ी मुंडवा ही दो, अच्छी नहीं लगती। ओ, तुम्हारे तो सूरत से डर लगता है। डर लगता है तो सूरत मत देखो। सूरत मत देखो, चलो कुछ खा पी लें। अरे तुम दाएं हाथ से पानी क्यों नहीं पीती हो? नहीं राजा, मैं दाएं हाथ से पानी नहीं पीती, क्योंकि जिस दिन से तुमने राजा तांबा की चिता पर खड़े होकर यह प्रण किया था, उसी घड़ी मैंने भी दिल में ठान ली थी कि जो तुम करोगे जीवन भर वही करूंगी। और राजा, मुझे वो रात भी याद है जब तुमने भवानी के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की थी और कहा था, माँ हमारे बाजुओं में बल दो, हम गैरों को देश से निकाल दें। मैं नहीं जानती कि गैर कौन है, कहां से आए हैं, पर जब तुम कहते हो कि वो हमारे शत्रु हैं, तो वो जरूर हमारे शत्रु हैं, वो राक्षस हैं। तुम जो कहते हो वही तो सच होता है ना, तुम देवता हो ना, इसलिए तो मैं रोज कहती हूँ कि तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। हाँ, टुंडली ने कल कथा सुनाते सुनाते कहा था, हमारे देश में जो वीर हो तो देवता, और विद्वान हो तो उसे ऋषि समझना चाहिए। तुम वीर हो, तुम देवता हो। बस बस पावली, मैं धूल हूँ, धूल। तुमने महाराज की चिता पर किया हुआ प्रण याद दिलाकर मेरे मुंह पर तमाशा मारा, तुमने मेरे दिल में नश्तर खोपा, तुमने मेरे जमीर, मेरे सोए हुए जमीर को डांट मारकर जगा दिया। सुन, उस रणवीर में और इस रणवीर में बहुत फर्क है। वो एक बहादुर सिपाही का ख्वाब था, अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है जान बचाकर छिपने वाला, हर जगह हर तरह से पिटा हुआ कायर। तब जो रणवीर था वो वीरता का वो गौरव था जो फतह के इरादे लेकर पहाड़ों से टकराना चाहता था, और अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है और जो तुमसे प्रीत के गीत सुनकर खुश होता है, वो उसी रणवीर की बिगड़ी हुई तस्वीर है जिसके हिस्से में नामुरादी, बेबसी और नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं। कहां वो अरमान तलवारों से सल्तनत जीतने के, और कहां ये जिंदगी, ये कोशा नशीनी, ये तन्हाई, ये नदामत। निराश क्यों होते हो? अच्छे दिन आएंगे, तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे दो बाजू नहीं कर सके वो मेरे और तुम्हारे चार बाजू मिलकर जरूर कर लेंगे। बड़े काम एक आदमी का काम नहीं देर का होता है, एक तुम और तुम्हारे साथ अर्धांगिनी सावली होनी चाहिए। हूँ तो तुम्हारे चरणों की धूल, पर तुम्हारे चरणों की धूल हूँ ना, तुम सावली को अपना साथी बना लो, और फिर जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, सामली के लोग तुम्हारे लिए जान पर खेल जाएंगे, बच्चे बूढ़े औरतें सब तुम्हारे लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। तुम जिसकी तरफ इशारा करोगे हम उस पर टूट पड़ेंगे, और जो तुम्हारे जी में आए वो करो। तो दिलगीर ना हो हमारे देवता, हमारे लहू की पहचान तो कर, हमारी वीरता को आजमा तो, और अगर तू हमारी सावली को अपने चरणों में जगह देगा तो बिगड़े काम बन जाएंगे, और अगर तू इसे छोड़कर चला गया तो हम सावली को इन जंगल के सूखे पत्तों के ढेर में बिठाकर उसे अपने हाथों से आग लगाते उसे जिंदा जला देंगे, क्योंकि जब आशा टूट जाए
तो निस्तिन चलने से हम एक दिन चलकर मरना अच्छा समझते। अगर मैं सांवली से ब्याह कर लूं तो तुम सब, हम सब तेरी सेना है, जिससे कहे डर मरे। मैं सांवली से ब्याह करूंगा। सब। अरे वो सांवली, अरे वो बावली, अरे वो सावली, अरे अब किधर भागती है, अरे राजा तुझसे ब्याह करेगा ब्याह, अरे वो सावली, अरे राजा तुझसे ब्याह करेगा ब्याह। मैंने देखा रणवीर से सांवली की शादी हो गई है और वो दोनों हवा में उड़ रहे हैं। ख्वाब में शादी देखना बहुत बड़ी बदशगुनी। अगर आपने यही ख्वाब देखा है तो समझ लीजिए कि रणवीर जहाँ कहीं भी है उसकी मौत आई है। जय सिंह, मेरी मौत नहीं तुम्हारी मौत आई। चलो संभाल तलवार, मत बनो मत। अब करे दुश्मन चलिया तेरिया, धर लियो बाग समान रण में सूरमा, धर लियो बाग समान रण में सूरमा, अब करे लहूते अपनान रण में सूरमा। हरी बाज निकाले आगिया, हरी बाज निकाले आगिया, हरी रीत निकाले जान रण में, हरी रीत निकाले जान में, अब करे लहूते अपनान रण में। अरे नाग गले का हार हो, अरे नाग गले का हार हो, और झूठे अग्नि बाण रण में सूरमा, और झूठे अग्नि बाण रण में सूरमा। अरे तन भागी सर छोड़ के, हर तन भागे सर छोड़ के, जब बड़े वीर बलवान रण में सूरमा, जब बड़े वीर बलवान रण में सूरमा, अब करे लहूते अपनान रण में सूरमा। Thank you.
के वीर बुलाड़े जीते आए गीदड़ भागे जीते आए गीदड़ भागे भाग मेरे सैनिक के जागे 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 भाग मेरे सैनिक के जागे 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 खून के तिलक लगा कर भर के खून के तिलक लगा कर भर के इस कायर सेना पर भर के इस कायर सेना पर भर के नौबत गूंजे और दिल धड़के नौबत गूंजे और दिल धड़के कांडे गले मिले बड़ बड़ के कांडे गले मिले बड़ बड़ के घड़ में हाहाकार मचा कर घर में हाहाकार मचा कर आप तो रानी बांधता ससुराल में मजे उड़ाओ अच्छा मजे उड़ाओ मजे मजे अब हम अपनी बस्ती को वापस आते हैं तुम्हारी और तुम्हारे पति की मन की मुरादें पूरी हुई अब हमें आगे मैं तुम्हें जाने से रोक तो नहीं सकती मगर जो यहाँ रहना चाहे उसके लिए मेरे महलों के दरवाजे खुले हैं और जो जाना चाहे उसके जो जी में आए ले जाए अभी वो तो तुम्हारे कहने से पहले हमने सब कुछ ले लिया है और मैंने तो एक दासी भी ली है चल रही शेर सिंह तुम्हारा किया जो सीधा इधर आया हम समझता है तुम्हारा दोनों टांग कटना पड़ेगा शेर सिंह हम पूरी कोशिश करेगा तुम बच्चे मैं जिंदगी से हाथ धो चुका हूँ मगर मेरी दो बातें पूरी होनी चाहिए बोलो बोलो जरूर हम पूरी करेगा पहली ये कि यही रहे अंगूठी उस मल्लाह को दी जाए जो मुझे यहाँ तक लाया और दूसरी ये कि तोपों का मुंह संकेत नगर की तरफ फेर दो और जिस तरह कालीकट पर गोले बरसाए थे उसी तरह रात भर शहर महल पर आग बरसाई जाए मैं चाहता हूं कि सुबह होने तक संगीत नगर का नाम निशान तक मिल जाए हम समझता है हम लश्कर बेच कर जंगली लोग और इसके सरदार को चुन चुन कर मार देगा मगर इतने खूबसूरत नगर को तोपों से उड़ाना चाहते नहीं, नहीं नहीं ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है अगर आपको अपना वादा याद है तो मैं जो चाहूं वही होना चाहिए मैं घड़ी दो घड़ी का मेहमान हूं लेकिन मैं इंतकाम लिए बगैर नहीं मर सकता इसलिए जब तक मेरे दम में दम है मेरे कानों में तोपों की गूंज सुनाई दे जब तक मेरी आंखों में रोशनी है तो मैं देखूं कि सब कुछ शोलों की नजर हो चुका है मेरी राजधानी का नामो निशान मिटा दिया गया है ऐसी तबाही कि संगीत नगर जलकर बिल्कुल राख हो गया है ना वो माए रही जो बच्चों पर लोरियां देकर शेर सिंह की गद्दारी और रणबीर की जमा मर्दी के गीत सुना सके ना वो बेटे रहे
जो कल फिर सिंहासन आप लोगों की जिंदगी हराम कर दे। इसलिए हुक्मों के तोपे धारे और बरसती हुई आग सूरज निकलने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते और फिर कल कल जिस तरह मेरी लाश जल रही हो उस तरह मेरी राजधानी शोलों में लिपटी हुई हो। वैसे भी मेरी लाश को लकड़ी से घेर पर ही जलाना था ना। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं महारानी बनकर सजे सजा नहर में चल रही हूँ। मालिक देखते ही देखते मैं तुम्हारे चरणों की दासी बन गई और फिर पंद्रह नहर की महारानी और फिर एक चिड़ी तुम्हारे कदमों में रहकर जीवन से छुटकारा पा लिया। मालिक जाओ मालिक आप चारों तरफ से बन रही है। मालिक जाओ मालिक जाओ मालिक सुहागन को चिता पर ले जाने से पहले उसकी मांग से सीधे भी भर दिया करती हूँ। अपने पैरों की थोड़ी मेरी मांग भी भर दी मालिक भगवान को क्या बोल दिखाऊंगी। कि तुम्हें जो कुछ कहना था कहकर चुप हो गई ना। मुझे भी जो कुछ कहना है कहकर रहे देश की देवियों ने सैकड़ों बार अपने पति के सर को गोद में रखकर सती बनकर प्राण दिए और आज मैं तुम्हें इस जलती हुई आग में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जान बचाकर भागने के बजाय तुम्हारा साथ दूंगा। सावली तुम्हें प्यार से अपनी गोद में लेकर इस दुनिया से रुखसत होता। मैं जिंदगी में हमेशा तुमसे दूर दूर ही रहा। आज तुम्हारी बेजुबान दास से बेरुखी नहीं करूंगी। है जलती हुई आग के शोलों पढ़ो और हमें प्यार से निपट जाओ जिस प्यार से हमें दूसरे से लिखते हुए। है मादरे वतन मैंने और मेरी सामने ने तेरे एहसानों का पता चुकाने की कोशिश की जहां तक कामयाब हुई भगवान जानता। आज हम दोनों अरमान लिए हुए रुखसत होते हुए आए देश। हे भगवान इस मामूली सिपाही की एक ही आरजू है कि हम लोग जितनी बार जन्मे इस देश के सेवक बने हर बार जान निछावर करने पाए भारत मेरी आरजू की खातिर।
रहा है कि ऐसी पवित्र आत्माओं ने बार बार भारत में जन्म लेकर कभी झांसी की रानी बनकर कभी सरदार भगत सिंह तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर भारत का कल्याण किया। भारत निवासियों समय आजादी के इन परवानों को कभी न भूलना, कभी न भूलना।